तरफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी ना प्रवक्ता ने पत्रकार परिषद योजाई हती। कांग्रेस भवन खाते एआईसीसी ना प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय ने पत्रकार परिषद योजाई। गुजरात ने शिक्षण व्यवस्था खादगीकरण फी वधारो शिक्षण गुणवत्ता ने लईने भाजप सरकार सामे निवेदनो कर्या हता। तो राज्य अने देश में कोरोना समय आयोजन नो अभाव आरोग्य लक्षी सेवाओं माथादीठ आवक देवो कुपोषण सहित मुद्दे राज्य ने केंद्र सरकार ने आकरी टीका करी हती। तो देश में बे सरकार छावरती होवानुं तेमणे निवेदन पण आप्युं। राज्यमां दारूबंदी होवा छतां दारूने कारणे लोको मरी रह्या छे, ड्रग्सनुं नेटवर्क चाली रह्युं छे। मोरबीनी घटनाने लईने कांग्रेस प्रवक्ताए निशान साध्युं अने कह्युं के नाना माणसोने अंदर करी सरकारना मित्र एवा मोटा लोकोने बचावाई रह्या छे। 2 કરોડના પ્રોજેક્ટમાં માત્ર 12 લાખનો ખર્ચ કર્યો, સરકારને મિલી ભગત। રાજસ્થાન અને છત્તીસગઢમાં જે રીતે સરકારે વચન નિભાવ્યા છે એ જ રીતે ગુજરાતમાં પણ વચન નિભાવીશું। सरकार बन्या बाद कैबिनेट नी प्रथम बजेट मां ज बेरोजगारों माटे रोजगारी सरकारी अने खाली जग्याओ भरीशु। आज जूनागढ़ में उपस्थित सभी पत्रकार भाइयों का हृदय से स्वागत। जूना कांग्रेस कमेटी के हमारे दोनों साथी प्रदेश से आए हमारे साथ तुषीर जी प्रदेश प्रवक्ता और मिहिर भाई जो यहाँ के प्रमुख और जोन के स्वराष्ट्र जोन के हमारे प्रभारी हैं। आप सबके बीच आज 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जिस तरह से पूरे गुजरात में और यूं कहूँ कि पूरे देश में आज गुजरात मॉडल के बारे में इतने वर्षों से चर्चा हो रही है और उसके कारण देश के भी और इस प्रदेश के भी आम जनता ने वोट देने का काम भाजपा को किया। आज दिन में हम लोगों ने पूरे प्रदेश में भाजपा की जो पिछले 27 साल की जो कुप्रबंधन और कुशासन रहा है उसके एक एक बिंदुओं पर हमने जो है प्रकाश डालने का काम किया और हमारे अलग अलग नेताओं ने साथियों ने प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के पत्रकार वार्ता करके उस सच्चाई को रखा है। पहली सच्चाई जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके सामने रखना चाहता हूँ कि किस तरह ये प्रदेश आज कर्ज के मकर जाल में फंस गया है, ट्रेप में फंसता जा रहा है। राज्य में पिछले 15 सालों में जिस तरह की कुशासन हुई है और जिस तरह से फिजूल खर्ची हुई है उस फिजूल खर्ची के कारण प्रदेश में 3 गुना कर्ज ज़्यादा बढ़ा है। लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का लायबिलिटी गुजरात के प्रदेश पर है और इससे कहीं ना कहीं इस प्रदेश की आम जनता आप जैसे पत्रकार भाइयों पर भी यहाँ बैठे हमारे साथियों पर भी प्रत्येक व्यक्ति पर लगभग 63,000 रुपये का कर्ज है। ये सरकार जो दावा करती है बड़ा बड़ा कि हमने क्या नहीं किया, इस सरकार की पहली कलई यहीं से खुलती है कि यदि आपने काम किया था तो प्रदेश के अंदर क्यों इतना बड़ा कर्ज का मायाजाल आपने फैलाया। और ये सरकार के आंकड़े हैं, डाटा जो है ये सरकार के हैं। कैग CAG का रिपोर्ट कहता है कि यदि इस फिजूल खर्ची पर रोक नहीं लगाई गई तो कहीं ना कहीं गुजरात प्रदेश जो है फेल्यूर के कंडीशन में होगा, यहाँ के अर्थव्यवस्था पर उसका कुप्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात, एजुकेशन की बात हमने अभी डाटा मैंने देखा, महात्मा गांधी की एक कर्मभूमि है गुजरात का राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़, सौराष्ट्र रीजन। मैं महात्मा गांधी जी के कर्मभूमि से आता हूँ, चंपारण से। हमारे यहाँ गांधी जी गए थे और शिक्षा के विकास के लिए, शिक्षा लाने के लिए न केवल महात्मा गांधी जी बल्कि बा कस्तूरबा जी ने भी बहुत काम किया हमारे यहाँ। मेरा दर्द ये है कि महात्मा गांधी कहते थे कि शिक्षा हर व्यक्ति के जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है, लेकिन मैं इस सच्चाई को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि क्या गुजरात की जनता को महात्मा गांधी के सपनों का शिक्षा व्यवस्था प्राप्त हो पाया है? कतई नहीं। मैं जो डाटा देख रहा हूँ और सरकार का जो डाटा है वो मैं डाटा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कई ऐसे दौर हैं जैसे जो डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, पैरामीटर्स हैं एजुकेशन के, उसमें देखा जाए तो राज्य जो है लगभग निचले पौदान पर है, फेल हो चुका है यहाँ का एजुकेशन सिस्टम। GER जो ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो होता है वो गुजरात आज 17वें स्थान पर है यदि कंपेयर किया जाए अदर स्टेट से। तो जिस तरह से बात की जाए हायर सेकेंडरी की तो हायर सेकेंडरी में
लगभग 28वें स्थान पर है। इसी तरह महिलाओं के यदि इनरोलमेंट रेशियो की बात की जाए तो तकरीबन जो है ये राज्य जो है बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है, और यदि एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो 20वें स्थान पर है। ये सारे डाटा आपके पास हैं, जो सरकारों के डाटा हैं, ये व्यक्ति के डाटा नहीं है। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन होना चाहिए था पब्लिक सेक्टर में। सरकारी स्कूलों का उत्थान, सरकारी स्कूलों का कायाकल्प, और सरकारी स्कूलों से आम जनमानस के बच्चे पढ़े और आगे बढ़े, लेकिन उल्टा हुआ है। एजुकेशन सिस्टम को प्राइवेटाइज ज़्यादा से ज़्यादा किया गया, और साथ में हाई फी सबसे ज़्यादा लेने का काम हुआ है, जिससे गरीब गुरबा का जो बच्चा है, गांव में रहने वाला सामान्य परिवार का किसान का बेटा, वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकता। उसके भी डाटा है कि कैसे पूरे पिछले सालों में इस प्रदेश में, जो प्रदेश अपने आप में एक बेहतर राज्य के लिए जाना जाता था, पूरे देश में नंबर वन इसकी आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक व्यवस्था थी, वो धीरे धीरे नीचे आते गया। और तकरीबन जो डेटा कहता है वो 22% ऐसे लोग हैं, ऐसी पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो है इसमें दिया है, द नंबर ऑफ स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैव इंक्रीज बाई 2200%। प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो खूब बढ़ी है, लेकिन सरकारी यूनिवर्सिटी जो है तकरीबन बैक हो रही है, पीछे हट रही है। इसी तरह जो प्राइवेट स्कूल हैं वो तो जरूर बढ़े हैं, लेकिन उसमें जो सरकारी क्षेत्र होने चाहिए थे, आगे बढ़ने चाहिए थे, वो खत्म हुए हैं। हमारी सरकार आएगी, जैसा कि हमने कहा भी है, 300 स्कूल जो सरकारी स्कूल है उसका अपग्रेडेशन 3000 अब स्कूल बनाने का काम करेंगे, और शिक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च करने की बात होगी। यदि ह्यूमन रिसोर्सेज की बात की जाए इस तरह से, या सब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की जाए, तो जो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दे रहे, इसके लिए कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं है, स्किल डेवलपमेंट के नाम पे करोड़ों का पैसा लिया जा रहा है, लेकिन गरीब सामान्य परिवार के लोग जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उनको जो एजुकेशन प्राप्त होना चाहिए वो नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ड्रेप ड्रेप के साथ एजुकेशन के सिस्टम और हेल्थ केयर की यदि बात की जाए तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये डेटा ये भी कहता है कि पूरे गुजरात में जो हेल्थ का आज जो बजट है लोकेशन, वो 12,000 करोड़ रुपए का लगभग है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए मात्र 5 रुपये, केवल 5 रुपये हेल्थ पे खर्च हो रहा है। सरकार कहती है कि हम हेल्थ पर बहुत काम कर रहे हैं। 98% ऐसे जो है डॉक्टर्स की, स्पेशलिस्ट की कमी है हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स की लगभग 80% कमी है, और वो सीट खाली है, उसको भरा नहीं जा रहा है।